गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का शेड्यूल ना बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि जो कल के पेंडिंग काम है वो आज होने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ओम धातु का काम, तो ओम धातु के जो प्री ऑर्डर्स है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं भाई। तो मिस मत करना कोई भी वीडियो, क्योंकि किसी भी वीडियो में रिवील हो सकता है कि ओम धातु के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो पैकिंग वैकिंग रह गई है, थोड़ा सा काम पेंडिंग है, कोविड के चक्कर में थोड़ा डिले भी हो रहा है, हम भी प्रिकॉशन ले रहे हैं बाहर जाने से, काम करने से, बट जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी और आपके लिए हम लाएंगे बेहतरीन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी 90s की टेलीमार्केटिंग की एड चल रही है। और ओंकार आने वाला है, रेडी हो जा। आज हमने दो वीडियो शूट कर लिए। लेबलिंग वाला काम कब करना ओम धातु का? अब पता नहीं मुझे, दो वीडियो जल्दी बन जाएंगी तो लेबलिंग वाला काम भी हो जाएगा। मतलब यार कितने सारे काम पड़े हैं यार, मतलब मुझे नहाना पड़ेगा। तूने आज तक नहाई है? तू ये बहुत झूठी लड़की है, ये जब भी बोलती है कि मैं नहा के आई हूँ, ये मुंह भी नहीं धोती है, ये शीशी के आगे जाती है, लिपस्टिक लगाती है, हाँ। बाल कंघी करती है और तैयार होकर आ जाती है, नहाती नहीं है, ये पानी को तो छुए इसको दो दो साल हो जाते भाई। माली बकवास। मैं इतनी देर से सोचू कि मेरे आधे कपड़े मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए भाई साहब। हमने घूमने जाना था, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था और मेरे कपड़े वैसे के वैसे पैक पड़े हुए हैं। हमारी अधूरी कहानी। ओ शिट, मेरे शूज भी इसके अंदर ही है। हेलो, ये देखो शेर, खाने में तो शेर। डांसिया कैसे रोटेट कर रहा है। अच्छा, मुझे देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मैं पहले से तैयार हूँ। आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं, तू पहले से बेशक तैयार है, पर कपड़े जो है ना वो चेंज करने पड़ेंगे। वो जो हमने पहले एक वीडियो की हुई है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट करना है, तो फोटो मैंने खींची हुई। मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब मैं इतनी मुश्किल से 4-5 कपड़े बदल के कपड़ा पहनती हूँ, उसके बाद भी ओंकार बोल रहा है कि कपड़े चेंज कर। भाई फूडी वी की एक वीडियो ना थोड़ी सी पेंडिंग पड़ी थी, जिसको कंप्लीट करते करते अब लग गए हमें 2 घंटे, जिसकी वजह से मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने पड़े। वो 2 घंटे जो लगे और कितनी देर का काम था, मेकअप 1 मिनट का पार्ट होगा बस। एक मिनट का पार्ट था लिटरली, वो वीडियो में 1 या 1.5 मिनट का पार्ट था, जिसको हमें लग गया वीडियो शूट करते करते 2 घंटे। तो ओंकार एक काम करते हैं, हमें ओम धातु का थोड़ा सा काम है, तुम तब तक बैठ के वीडियो एडिट कर लो, जो रेस्ट ऑफ द वीडियो है, जो एक और वीडियो हमने करनी है वो हम बाद में करेंगे। है ना, चले आदि। मतलब हम इतने ज्यादा लेट हो गए ना आदित्य की वजह से, कि ओंकार कहता मैं भी चलूंगा, आदित्य कभी लिपस्टिक लगा रहा है, कभी कपड़े चेंज कर रहा है, काम खत्म भी कर रहा है, आदित्य कभी नेल पेंट लगा रहा है। ये देखो मेरी नेल पेंट कितनी सुंदर, ये न्यूड कलर की है, ये देखो मेरी लिपस्टिक, दिस इज सो सांगवी नेल पेंट, पिंक पिंक होंठों का राज है लिपस्टिक। लिपस्टिक चुके और अब जाके हम हुए फ्री और अब जाएंगे घर, क्योंकि इतनी जोर से भूख लगी, इतनी जोर से भूख लगी। आदित्य फटाफट घर पहुंचा। ओए ओए ओए, मेरे पास तो आया ही नहीं है। डैडी, ये क्या बदतमीजी थी। ओ, ये क्या कर रहा है डैडू। दीदी को भी प्यार कर लो गलती से कभी। डैडी, दीदी को नहीं प्यार करना। हे भगवान, डैडी तुमने मेरे कुत्ते को ना हिप्नोटाइज कर लिया हुआ है। वेरी बैड ओंकार, तुमने मेरे कुत्ते को हिप्नोटाइज कर लिया। हाय बेचारे, मैंने ओंकार को कुत्ते बना दिया था। हाय हाय, ये तभी खुलता है बिस्किट का पैकेट घर में जब रिश्तेदार आते हैं, ऐसे तो कोई खोलता नहीं। यार नहीं, अगर रिश्तेदार आया तो कप चाय के कप या कुछ ना कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाती। बहुत पहले आया, हमें टाइम भी तो कितना लग गया। पेट पूजा करने के बाद आदित्य लेके आया है हवन की सामग्री। हाँ। जो है ये कागज के टुकड़े, जिससे कि मरेंगे मच्छर। हवन की सामग्री है, मच्छरों के लिए है, मच्छरों का पूजन करेंगे। ओम जय मच्छर मरण देवता। बेस्ट टेक्निक बताओ मच्छर भगाने की। इसको ऐसे करो और बेड के नीचे डाल दो अपने। बस ध्यान रखना कि आग मत लगवा लेना घर में। बस इस चीज का ध्यान रखना। अब ये धुआं ना पूरे बेड के नीचे फैल जाएगा। ओहो, साइड से बाहर निकलेंगे सारे मच्छर जो बेड के नीचे, वो निकल जाएंगे, वो छत पे चले जाएंगे। और एक चीज और, थोड़ा सा अपने कमरे का दरवाजा खुला रखना, जो मच्छर भाग रहे हैं वो घर निकल जाएंगे। मतलब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग तो हाँ, क्योंकि अगर मच्छर अंदर रहे, इससे क्या होता है ना, जो धुआं वाले कागज होता है, इससे मच्छर मरता नहीं है, इससे बेहोश होते हैं मच्छर। अच्छा, मच्छर बेहोश हो कैसे? हाँ, और तो अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो मच्छर अंदर ही होगा कमरे में, तो थोड़ी देर बाद उसको 1-2 घंटे बाद वो होश में आ जाता है, फिर वो काटना शुरू कर देते दोबारा। तो थोड़ा दरवाजा खुला रखो कि मच्छर बाहर चले जाए। मेरे पास और जो मच्छर बेहोश होके कमरे में पड़े हैं और दिख रहे हैं आपको, उसको ढूंढ के मार दो।
हाँ, इससे पहले वो फिर से अपनी उस पे वापस आए। तो यार एक बहुत ही अच्छा कोर्स पता चला मुझे भी, जो कि इंडिया में और कहीं वर्ल्ड में कहीं शुरू नहीं हुआ। क्या? पीएचडी इन मच्छर, पीएचडी इन किलिंग मच्छर, कीड़ों का खात्मा। भाई तू पीएचडी कर सकता है इस पे, मैं बता रही हूँ। तू ये बता वर्कआउट का क्या करना है? भाई मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुबह से मील नहीं खाई है, मैं 2 बजे के वहां गए हुए हैं, शाम को आके तूने तरबूज खिला के कह रही वर्कआउट कर लो। मच्छर दिखे उसे मार दो, कत्ल कर दो उसका। भाई कत्ल कैसे करना है? अच्छा मैं मच्छर दिख रहा हूँ तुझे? तू मच्छर ही है घर पे इतना बड़ा? मैं मुंह को मारना तेरे ही। मम्मी आपका बेटा मुझे जीने नहीं दे रहा है मां, दोनों ही पागल हैं। ब्राह्मणों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज को ग्रहों से जोड़ देते हैं। और टेडी के साथ खेलने के बाद ना मुझे आदित्य ये रियलाइज हुआ कि मुझे वर्कआउट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने भी वाटरमेलन खाया, क्योंकि आज ना पूरा दिन डाइट का कबाड़ा हो गया। एक तो सुबह 3-4-5 घंटे वहीं बैठे रहे बाहर। हाँ जी मम्मी, बारिश का ही है, कपड़े उठाने, कपड़े उठाने। चलो जी, मम्मी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि बारिश आने वाली है, पता नहीं आ गई है, पता नहीं क्या, तो बाहर से कपड़े उठा के अंदर रखो। आदित्य आज प्लीज हेल्प करा दे थोड़ी सी, ये वर्कआउट ही है। आजा मम्मी का, मम्मी बोल रही है वर्कआउट ही होता है, आजा। बादल गरज रहे भाई साहब, कैसे कैसे कर रस्ता बादल, तुझे नहीं पता? तो नहीं कर रहे, ऐसे तो फोन वाइब्रेट करता मेरा। अच्छा मैं ये बोल रही थी कि देख हम एक काम करते, सारे कपड़े ना चेयर पे रख दो, तो चेयर उठा के अंदर रख देंगे। हैं? क्या उठा के तो लाई कपड़े, इतनी मेहनत करती है। अच्छा नहीं क्या? मैंने मुझे इस बात के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, मुझे तो डांट मिल रही है। ये क्या है मम्मा जी? मैंने बनाई है आज अपने लिए मैगी, मेरा बड़ा मन कर रहा था चटपटा खाने को। और मैंने मम्मी को बोला कि 2 पैकेट बना लो क्योंकि मैं भी खाने वाला हूँ। और ये बन रहा है पॉपकॉर्न मुक्ति, और मेरे लिए मतलब आज पूरी चीट डे चीट मील हो गई है मेरे लिए, क्योंकि और मैंने वर्कआउट भी नहीं किया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और मेरे को बाद में दुख होगा कि मैंने क्यों खाया, बट मैं फिर भी खाऊंगा। ये रही मेरी रोटी और ये रहे आदित्य के पॉपकॉर्न। और कुछ लगा बढ़िया सा? बढ़िया सा लगाऊं? क्या लगाया तूने? फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलिया लगाया। वैसे यही देखता है? यही देखता है। बहुत बढ़िया है ये टाइम पास के लिए, कुछ समझ में ना आ रहा हो ये लगा। आदित्य के हाथों द्वारा खाए हुए नेल पेंट, आदित्य के हाथों द्वारा बनाए गए सड़े हुए पॉपकॉर्न के बाद बारी आ चुकी है मेरी नेल पेंट निकालने की, यानी कि जो बची हुई एक्स्ट्रा नेल पेंट, सूखी हुई नेल पेंट है उसको मुझे फेंकना है। मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। पॉपकॉर्न बनाए थे ना तूने? हां मेरी कोई गलती नहीं है, पॉपकॉर्न घटिया थे, मैंने बनाए सही थे। तू तू पॉपकॉर्न पॉप ही नहीं हुए अच्छे से, इतने हार्ड थे, दांदर हो गए, पुराने हो गए पॉपकॉर्न। मेकअप करना और ये सब, ये भी एक आर्ट होती है, इस चीजों को भी एक आर्टिस्ट बोला जाता है जो ये चीज अच्छे से करता है। नेल पेंट जैसी आर्टिस्ट्री ना हम अपने क्लास में दिखाते थे, उसकी डिजाइन की क्लास में, क्या आर्ट होती है? जैसे वो आंसू गिर रहा होता है उसको तुम पाउडर में डालते हो, पाउडर इवनली लगा लेते हो, इवन लगाना होता है पाउडर बस। उसके बाद तुम लाली लेते हो, लाली उसको ऐसे ऐसे थोड़ा मुझे पता होगा, मेरे को भी पता है लिपस्टिक कैसे लगाते हैं लड़कियां, ऐसे करती है, ऐसे करती लग जाती है। तेरा ये चैलेंज है कि अगर तूने मेरा मेकअप अच्छा किया। ये वीडियो और थी बहुत ज्यादा लंबी, जिसकी वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, तो दूसरे वाला पार्ट देखना तो बिल्कुल मत भूले, जिसमें कि आदित्य को दिया है मैंने बहुत ही बढ़िया चैलेंज।